के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। लूट की घटना में असफल शातिर बदमाशों का सरगना मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस की हत्थे, एसएसपी ने किया खुलासा। राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश पर राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रवास सिंह ने बुधवार को गोरखपुर जिला जेल का किया निरीक्षण, महिला कैदियों से की बातचीत। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में अनियमितता बरतने के मामले को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने दिया धरना, परीक्षा के नोडल अधिकारी ने कहा छात्रों का आरोप है बेबुनियाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, मॉक ड्रिल के माध्यम से 14 जून को किया जाएगा रिहर्सल। नमो ऐप के प्रचार प्रसार के लिए निकाली गई रैली, एडीएम सिटी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिलाधिकारी ने किया बरही बांध बंधे का निरीक्षण, बरसात पूर्व कार्यों को पूरा करने के दिए निर्देश। अपर नगर आयुक्त की निगरानी में दूसरे दिन भी चला राजकीय पॉलिटेक्निक से असुरन तक अतिक्रमण पर बुलडोजर। गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों की सत्र की अंतिम प्रवेश परीक्षा हुई संपन्न, 26,097 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 3,411 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से किया विरोध प्रदर्शन, जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन। वेतन बकाया को लेकर छठवें दिन भी निविदा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर किया प्रदर्शन। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश त्रिश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने विकास भवन परिसर में गेट मीटिंग करने के पश्चात जिलाधिकारी को सौंपा मांग संबंधित ज्ञापन। वैसे शिक्षा विभाग अधिकारी और समाज सेवी संगठनों ने बांसफोड़ और अति पिछड़े समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने का उठाया जिम्मा। आशा बहुओं का आंदोलन है जारी, चंदा यादव ने कहा ब्लॉक से जिला मुख्यालय तक जारी रहेगा कार्य बहिष्कार। ईद के दिन बंद रहेंगी मदिरा और भांग की दुकानें, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। और गोरखपुर क्रिकेट लीग में संस्कृत एकेडमी की महाराजगंज क्रिकेट एकेडमी पर 4 विकेट से जीत।